श्याम रेप का जो ये मेरा बुकिंग था, इसका नाम है श्याम रेप बंक बेड स्टेशन हॉस्टल एंड बार। तो ये बिल्डिंग को जैसे दिखती है, इसका दो रात का कॉस्ट मुझे पड़ा $10, तो पर रात का $5। तो प्रॉपर्टी सामने से कुछ ऐसे दिखती है, ग्लास है। मैं अंदर जाता हूँ, अंदर जाके ऊपर दिखाता हूँ आपको रूम। यहाँ पे आप अपने शूज़ खोल लेंगे और ऐसे वाले उनके स्लीपर्स पहनना जरूरी है। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, प्लीज टेक ऑफ योर शूज एंड यूज अवर ब्लैक फ्लिप फ्लॉप्स। एक डाइनिंग एरिया, फ्रिज, डाइनिंग। ऊपर चलते हैं। कुछ रूम शायद नीचे भी हैं, मुझे फर्स्ट फ्लोर वाला रूम अलॉट हुआ है। काफी क्लीन है। इधर भी रूम्स हैं, तो मुझे यहाँ अलॉट हुआ है। मैंने प्रेफरेंस दिया था 8% डॉर्मेट्री का। तो यहाँ से एसी यहाँ पे है। आप अभी फिलहाल 8% डॉर्मेट्री के अंदर मैं अकेला हूँ। तो काफ़ी क्लीन है। मैं यहाँ पे सेटल हूँ 2 दिन के लिए। तो 8% मतलब एक बंदा यहाँ, एक बंदा उधर, यहाँ से चढ़ के तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 बंदे इधर फिट हो सकते हैं। और गर्मी के लिए एसी है, $5 में एसी वाला रूम। यहाँ बाहर एक बालकनी जैसा बना हुआ है, मतलब कर्टन्स लगे हुए हैं जैसे रूम गर्म ना हो जाए। यहाँ भी कुछ रूल्स हैं, नो शूज़ इनसाइड द बाथरूम, प्लीज़ टर्न ऑफ द स्विचेस व्हेन नॉट इन यूज़। काफ़ी अच्छी चीज़ है, अपने फुटवेयर्स लेके जाएंगे तो बाथरूम गंदा होगा। बाथरूम भी काफ़ी साफ है, काफ़ी साफ, छोटा है, एक बंदे के लिए एनफ है। आप जब सोलो ट्रैवलिंग कर रहे हो, मुझे काफ़ी साफ लगा। तो ये इस तरह का है श्याम रेप बल्क बेड स्टेशन। पर डे एसी डॉर्मेट्री $5 के लिए। इससे अच्छा और क्या चाहिए, मेरे लिए सही है। इससे ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं चाहिए था, ज़्यादा सस्ता भी नहीं चाहिए था, थोड़ा स्टैंडर्ड। शायद इसके ऊपर भी रूम है, तो मैंने इनको पूछा था कि अगर मेरे कुछ वैल्यूएबल चीज़ें हैं तो मैं कहाँ रखूँ। तो उन्होंने बोला था आप सेकेंड फ्लोर पर जाइए, वहाँ पर लॉकर है। तो आपको कौन से लॉकर फिट होती है, मतलब किस साइज़ की लॉकर आपको चाहिए, तो आप चूज़ कर लीजिए और वो लॉकर हम आपको दे देंगे जब तक आप होटल में रह रहे हैं। और जब आप जा रहे हो आप अपना सामान ले लीजिए और हमको लॉकर की चाबी लौटा दीजिए। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो रिव्यू पढ़ना काम आया booking.com में। जैसा रिव्यू था वैसे ही फैसिलिटीज़ हैं, मुझे काफ़ी पसंद आया। तो अगर आप श्याम रेप आ रहे हैं कभी, और सोलो हो या फिर आप 2 बंदे भी हों, तब भी आप मतलब डॉर्मेट्री यूज़ कर सकते हैं, हॉस्टल्स यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल तो अभी यहाँ पे है कोई है नहीं, लेकिन अगर कोई होता तो फिर हाँ मतलब बातचीत हो जाती, एक्सपीरियंस शेयर हो जाता है, तो वो एक बहुत एडवांटेज होता है। तो
थोड़ा रेस्ट मैंने कर लिया था, आके नींद लग गई थी, इसके सिवा कोई ज़रिया नहीं था। तो अभी अभी मैं फ्रेश हो गया हूँ, मैंने थोड़ा एक जूस पिया है, तो पेट बहुत ज़्यादा फुल है। अभी 5 बज रहे हैं, तो आज का मेरा ये प्लान है कि जितने भी लोकल मार्केट्स हैं उनको एक्सप्लोर करूँगा, यहाँ के डिशेस जो भी अलग अलग टाइप की इनकी लोकल डिशेस हैं तो उनको ट्राई करूँगा जितना कर सकूँ। तो देखते हैं, अभी 5 हैं, मुझे 10 बजे तो जल्दी आके सोना भी है, क्योंकि कल सुबह मुझे 4:30 बजे उठ के अंकुर वार्ड के टिकट खरीदने को जाना पड़ेगा, तो जल्दी सोना भी है। तो फिर मैं सोच रहा हूँ 10 बजे तक आके मैं सो लूँ, तो मेरे पास 5 घंटे हैं एक्सप्लोर करने को। तो मैंने कुछ गूगल रिसर्च भी किया हुआ है कि यहाँ कौन से मार्केट्स हैं, और मैंने अपने हॉस्टल में भी पूछताछ की तो उन्होंने भी कुछ आइडिया बताया, और उन्होंने एक गाइड मैप भी दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से मैं देखूँगा। सब कुछ आसपास ही है, होटल से वॉकेबल डिस्टेंस है, मुझे किसी व्हीकल की ज़रूरत नहीं है या फिर टुक टुक हायर करने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक बार मार्केट एक्सप्लोर करता हूँ, उसके बाद जो भी इंटरेस्टिंग होता है तो फिर वो मैं शेयर करूँगा वीडियो में। चलिए मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग होने से।